देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू फाइंड एंगल एसीडी, एसीडी की वैल्यू हमने निकालनी है। हाँ सर आपकी वॉइस दबी दबी आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है? यस सर, आ रही है कट सर। कट अभी क्लियर है? ठीक यस सर, अब ठीक आ रही है। है ठीक। हाँ चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है अभी देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को पेपर? यस सर, थ्योरी थ्योरी यस का सर, था वो सब चीजें मैंने कल करा दिया था, ठीक है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है अभी देखो सबसे पहला ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो एसीडी इसकी वैल्यू क्या हो गई बताओ? सर 120 सर, डिग्री, वन ट्वेंटी वेरी गुड। ट्वेंटी अब हम आते डिग्री हैं, हाँ सर, बोलो। वन ट्वेंटी चलो अब हम आते हैं सेकंड सेकंड क्वेश्चन में आ रहे सर, वन ट्वेंटी सर, हैं। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है थर्टी क्या 30 बेटा, क्या कर रहे हो इसमें? देखो जरा ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गया ना, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 क्या हो गया 120। चलो नेक्स्ट अभी आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा सर, यहाँ नेक्स्ट क्या फिफ्टी दिया, बाई 80 डिग्री, वैल्यू 80 डिग्री, वेरी गुड। वाई इक्वल टू 80 डिग्री एंड एक्स इक्वल टू एट्टी आपका 60 डिग्री, ठीक है ना? सिक्सटी एक्स डिग्री वाई 80, ठीक ठीक है? अरे हो गया, अगर अगर दिक्कत हो तो बता देना फिर, ठीक है? यस सर, यस सर, चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ठीक है? अब इसका डायग्राम बनाना होगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ठीक है? ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, एक्स वाई जो है वो बी सी के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स ए सी एट वाई, बी वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई सी, ठीक है? बी वाई जो होगा मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है, ठीक है? एंड देन फाइंड सी बी वाई, सी बी वाई ये वाले एंगल की क्या वैल्यू होगी ये हमको निकालना है। सॉरी यहां पर दिया हुआ है देन फाइंड एंगल सी बी वाई डिवाइडेड बाय एंगल सी वाई बी, ठीक है? सी बी वाई ये वाला एंगल और सी वाई बी इन दोनों का रेशियो क्या होगा? एंगल सी बी वाई और सी वाई बी दोनों का रेशियो क्या होगा बताओ? यहां पर दिया हुआ है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, क्या सोचने लगे तुम लोग? अरे ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे ना, वन रेश
वन होगा। देखो ये वन है, ये भी वन बना, ये भी वन हो जाएगा, तीनों सेम हो गया, ठीक है। तो मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल सेम हो गए, तो मतलब क्या बना, वन अपॉन वन, ठीक है, वन अपॉन वन। अब लास्ट पेज में कैसे जाते हैं इसमें, हाँ चलो एक मिनट, कहाँ गया पिछला पेज, कहाँ गया, ये हमारा पिछला पेज, कुछ तो ऑप्शन, हाँ ये आ गया, देखो इधर जरा, तो ये हो गया हमारा 1:1 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो इसका मैं वीडियो बना के भी तुम लोग को दे दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उसमें, तुम लोग ये पेपर तुम लोग को वहां मिल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, आवाज मेरी क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नो सर, नो सर, क्लियर है आपकी वॉइस, ठीक है ठीक है। देखो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ये मेरा भी नया एक्सपीरियंस है इस तरीके से पढ़ाने का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल एबीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ मुझे क्या ट्रू होगा, ऑप्शन बी, दो साइड का जो सम होता है हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 से बड़ा है तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, सबके आंसर्स भी आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल सही है, बढ़िया है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, देखो इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:4:7, तो लार्जेस्ट एंगल निकालो, जरा करो तो 105 डिग्री, क्या बनेगा, x प्लस 4x प्लस 7x, ठीक है, 735, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारे पास, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट का नहीं आया होगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा, x प्लस 4x प्लस 7x, सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, एक मिनट, अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन है एक्स प्लस 4x, क्या हो रहा है,
उत्तर आ गए। लग रहा है नेटवर्क इश्यू है। x प्लस 4x प्लस 7x नहीं आ रहा, तो नहीं हो रहा विजिबल। रो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है सर, थोड़ा सर नेटवर्क आ गया होगा सर। अगला क्वेश्चन करवा दो सर, विजिबल है 180 ठीक है, अच्छे से आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो। तो x इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 12, तो 30 यहाँ पे हो गया 2, कैंसिल होके बन गया हमारा 15। तो 7x सबसे पहले कैंसिल चाहिए, ये हो गया हमारा 105। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, ठीक है साइड बीसी रुको मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर दिक्कत हो रही है। तुम लोग सिर्फ अब चैट के थ्रू मुझे आंसर भेजोगे, ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो एंगल ए सी डी ये हमारा दिया 100 डिग्री, बी सी और ए सी दोनों सेम है, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू हम देख रहे हैं, हमारे पास डायग्राम दिया हुआ था, ए सी डी ये वाला एंगल है 100 डिग्री, ये दोनों हमारे सेम है, तो दोनों सेम है मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, ये सपोज हमारे पास, अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 100 है, ये अगर x है तो ये भी हमारा x होगा, ये कितना बन गया, इसकी वैल्यू हमारी हो गई 180 माइनस 2x, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 180 माइनस 2x। अब देखो x प्लस 180 माइनस 2x इक्वल टू 100 डिग्री, तो क्या बना 80 डिग्री इक्वल टू x, ठीक है 80 डिग्री इक्वल टू x, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, सबके आंसर्स आ गए, काफी बच्चों के आंसर्स आए हैं, सबके आंसर 80 है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो अब फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ जाओ देख लो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है बी डी इक्वल टू सी डी है और एंगल ए बी सी इक्वल टू 27 है, ए सी डी इक्वल टू वाई है, तो वाई की वैल्यू, अगर ज्यादा बच्चों के अगर आंसर आ चुके होंगे तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है एक मिनट का समय है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके जल्दी से उसके आंसर की मुझे भेजो, अगर सबका आंसर सही होगा तो फिर इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है।
रौनक पूरा लेट के पढ़ाई कर रहा है क्या? रौनक सांगवान मतलब ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए, सिर्फ 20 के आए आंसर, ठीक है। चलो फिर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। हो गए करीब करीब सभी के आंसर आ गए फिर तो। 72 आयुष का 72 आ रहा। अरे 27 होगा आंसर। नहीं आंसर इसका 72 ही दिया है, रुको मैं देख ले रहा हूं। चलो ट्रायंगल दिया है, पहले तो ट्रायंगल बना लूं। A, B, C, D, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, ठीक है। ये वाली वैल्यू है 27, ये वाली वैल्यू है y। तो हमने y की वैल्यू निकालनी है। ये अगर 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 54 डिग्री, और ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी हो गया हमारा 54 डिग्री, ठीक है, हो गया ना 54 54, क्योंकि बेस एंगल सेम होते हैं। तो मतलब y प्लस 54 प्लस 54 इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 108, तो मतलब y इक्वल टू हो गया हमारा 72 डिग्री, ठीक है। तो जिसका इसका आंसर नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर 27 बताया था, तो 27 की जगह इसका आंसर हमारा आएगा 72 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ एबी इक्वल टू एसी। डायग्राम बना के देखो तुम लोग, फाइंड एंगल बीसीडी। अगर ज्यादा बच्चों के अगर आंसर आ जाते हैं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो कम के आंसर आए हैं, मैं बता रहा हूं फिर इसको, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलस ट्रायंगल है,
BA is produced to D such that AB equal to AD. AB equal to AD मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं. A B C D ठीक है. AB equal to AC दिया हुआ है और AB equal to AD हो गया ठीक है. तो एंगल बी सी डी ये वाला एंगल हमको निकालना है. ये भी सेम हो गया ठीक है. ये बन गया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं. ये हो गया हमारा एंगल वन ठीक है. ये भी बन गया एंगल वन. ये हमारा है एंगल टू. ये भी हो गया एंगल टू. अब क्या बना, एंगल वन प्लस एंगल टू, इसका टू टाइम्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री. देखो मैं ट्रायंगल बीसीडी की बात कर रहा हूं. बीसीडी एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस टू प्लस एंगल टू हो गया 180. तो बना एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू क्या बन गया, 90 डिग्री. एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है, ये हमारा है एंगल बी सी डी एंड दिस इक्वल टू बन गया 90 डिग्री. चलो जिसका इसका आंसर नहीं आया डायग्राम बना के उसको नोट करो. अच्छा टाइम हमारा ओवर होने के बाद सेम लिंक पे सभी क्लिक करोगे ठीक है. सेम लिंक चाहिए, उसी लिंक पे क्लिक करना है. कल के दिन सब कंफ्यूज हो गए थे, सब मुझे अलग अलग से मैसेज कर रहे हो, तो कल के दिन वाली हालत आज नहीं होनी चाहिए. जो सेम लिंक जो मैंने दिया हुआ है उसी लिंक पे आगे उस पर क्लिक करोगे तो अगला तुम्हारा आ जाएगा. चलो हो गया सभी का. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है कृतिका, तुम्हारा 980 डिग्री आया था बेटा, क्या करते हो? ऑडियो नॉट कमिंग बेटा. देखो इनकी साथ के साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा. तो इन केस अगर ऑडियो का प्रॉब्लम अगर होता भी है तो वो तुम लोग को दोबारा उसमें देखोगे तो मिल जाएगा सब कुछ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. यहां दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल टू 15 डिग्री, बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री. ए माइनस बी 50 है, बी माइनस सी 30 है, देन फाइंड एंगल ए. जल्दी से कर लो, अगर ज्यादा स्टूडेंट का होता है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा. यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज करोगे. कम बच्चों का आंसर आ रहा है अभी तक. कम बच्चों का है, 80 आ रहा है सबका आंसर ठीक है.
निशांत मैसेज कर दो बेटा, रेज हैंड मत करो क्योंकि मैं सबको अभी म्यूट करके रखा हूं। वैसे साउंड का डिस्टरबेंस होता है तो इसलिए जो भी है मैसेज करके बताओ बेटा। चलो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है a माइनस बी इक्वल टू 15 डिग्री, b माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल a की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन और भी है, a प्लस बी प्लस सी। देखो अभी हमारे पास टाइमिंग कम बची है, ठीक है, तो तुम लोग उसी सेम लिंक पे उसको क्लिक करोगे तो आगे अगला लिंक खुल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा हो गया, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 180 है। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो एक कंडीशन और आ गई, a माइनस सी इक्वल टू हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे एक काम ये भी कर लो, a माइनस बी हमारे पास 15 है, ये हो गया 30। मैं दोनों को ऐड किया, मैंने बन मिल गया हमारा a माइनस सी। सबको एक काम कर लो, इतना करने के बजाय a माइनस बी 15 डिग्री है, b माइनस सी 30 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल c को ले लो x डिग्री, b इक्वल टू हो गया हमारे पास x प्लस 30, a इक्वल टू बना b प्लस 15, x प्लस 45। तो इसके हिसाब से बन जाएगा x प्लस 45 x प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 माइनस 75, मतलब 180 माइनस 75 हो गया 105, x इक्वल टू हो गया 35 डिग्री। कौन सी वैल्यू चाहिए थी, एंगल a, तो a इक्वल टू हो गया 35 प्लस 45 इक्वल टू हो गया 80 डिग्री, ठीक है। देख लो जिसका इसका आंसर नहीं आया नोट कर लो। चलो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक स्टूडेंट को था रिपीट कर रहे थे। लविना बेटा मैसेज कर दो सबसे अच्छा, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू 15 डिग्री है, b माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री है, एंगल a की वैल्यू निकालनी थी,
तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो एंगल सी को मैंने ले लिया एक्स, तो बन गया हमारे पास सी इक्वल टू एक्स डिग्री, तो एंगल बी बन गया एक्स प्लस 30 डिग्री, ए हो गया हमारा बी प्लस 15 डिग्री, तो मतलब ए बन गया एक्स प्लस 45 डिग्री। कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए बी सी हम तीनों की वैल्यू को रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू हो गया 35 डिग्री, तो ए इक्वल टू बना 35 प्लस 45 इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अभी एक काम कर रहा हूं,